कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम पाठ पढ़ रहे हैं टिप टिपुआ। बच्चों ये हमने कहानी पढ़ी है कि इसमें बूढ़ी अम्मा अपनी छत के पानी के टपकने से बहुत परेशान हैं, है ना? और शेर किस लिए परेशान है? शेर तेज बारिश से परेशान है। और धोबी इसलिए परेशान है कि उसका गधा खो गया है। और कौन परेशान है बच्चों? और पंडित जी इसलिए परेशान हैं कि वो पानी उलझते उलझते थक गए हैं। अब बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो बच्चों, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? इसका उत्तर है बच्चों, बुढ़िया झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से, शेर जोरदार वर्षा और टिपटिपुआ से, धोबी गधे के गायब होने व न मिलने से, पंडित जी घर में भरे पानी को उलझते उलझते थकने से, है ना बच्चों? देखो पंडित जी भी परेशान थे, धोबी भी परेशान था और शेर भी और बुढ़िया भी, क्योंकि बुढ़िया के घर में जो पानी भरा हुआ था वह उससे परेशान थी क्योंकि उसकी छत बार बार टपक रही थी। और शेर इसलिए परेशान था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसे छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और वो बुढ़िया के टिप टिपुआ को सुनकर ये सोचने लगा कि ये तो मुझसे भी बड़ा जानवर है और इससे तो मुझे भी खतरा है। धोबी गधे के गायब होने और उसके ना मिलने से परेशान था। पंडित जी अपने घर का पानी उलझते उलझते थक गए थे, इसलिए वो भी परेशान थे। अब देखो बच्चों, यह क्या है मतलब बताओ। प्रश्न, नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिपुआ कौन सी बला है? इसका उत्तर है बच्चों, कौन सी बला है टिप टिपुआ? देखो यानी इनको सही शब्दों में लिखना था। टिप टिपुआ कौन सी बला है, इसको सही लिखना था, कौन सी बला है टिप टिपुआ। अब पत्नी की बात धोबी को जच गई। उत्तर इसका लिखेंगे हम, धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों इसके आगे के प्रश्न हैं। धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। शेर बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। देखो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, धोबी के पीछे पीछे शेर बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है, वह कहाँ है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। देखो बच्चों, जब धोबी ने पंडित जी से पूछा तो पंडित चिढ़ गया था क्योंकि वो भी अपने घर का पानी उलझते उलझते थक गया था। अब देखो बच्चों याद करो, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? उत्तर, मैं भी दादी से कहाई कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। बच्चों इसे ठीक कर लेना, ये कहानी है। मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए व उनके साथ खेलने के लिए मचलता हूँ। देखो बच्चों, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अब आपने अपने हिसाब से जो बताया कि आप दादी से कहानी सुनने के लिए मचलते हैं, उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए कहते हैं और उनके साथ घर से बाहर जाकर घूमने के लिए भी कहते हैं, उनकी गोद में चढ़ने के लिए भी कहते हैं और उनके साथ खेलने के लिए भी आपका मन मचलता है। तो बच्चों देखो, ये तो हर किसी के साथ की बात है कि हर कोई अपनी दादी के साथ खेलने के लिए मचलता है। अब यहाँ देखो बच्चों,
कौन है टिप टिपुआ? प्रश्न, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो बस टिप टिपुआ का है। अब इसे हम आगे कैसे लिखेंगे? तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? देखो बच्चों, ये तो दादी माँ की बोली थी, अब जो हम बोली बोलते हैं उस बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो कैसे कहेंगे इसका उत्तर लिखते हैं। हाँ बेटा, मुझे न शेर का डर है और न ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। बच्चों यहाँ बू लिखा गया है गलती से, आप यहाँ बस लिख लेना, ठीक है। आगे कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? इसका उत्तर है बच्चों, इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। इस कहानी में टिपटिपुआ झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को टिपटिपुआ कहेंगे। किसको कहेंगे? हम धोबी और उसके लट्ठे को टिपटिपुआ कहेंगे, क्योंकि धोबी ने जो उसको मारा था वो बहुत ज़्यादा मारा था, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या था कि उससे डर कर वह शेर भी दुम दबाकर उसके पीछे पीछे चल दिया था। अब देखो बच्चों बारिश। प्रश्न, यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो देखो बच्चों, बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता। वह रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। शेर वर्षा से घबराकर जंगल से भागकर झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता और न ही धोबी का गधा खोता और न ही पंडित जी अपने घर से पानी उलीछ उलीछ कर थकते, न ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता और न शेर को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी ही नहीं बनती, इस तरह की कहानी ही नहीं बनती। तो बच्चों आज हमने ये प्रश्न उत्तर किए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे। धन्यवाद।